लगा दे पील के मिष्टू के। अब पीले आप भी लगा दो मिष्टू के, मिष्टू के लगा दे, दोनों अच्छे लगा दे पूरा। देखिए मेरे मुंह मत मार, मैं मार दूंगी थप्पड़। बच्चों के नहीं लगाना, बच्चों के मत डाल, छोटे बच्चों के नहीं डाल, फिर सुन नहीं रहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली। तो यहाँ पर बच्चों की हो रही है होली मस्ती, तो वही मैंने आपके साथ दिखाया। तो देखिए पीयू और मिष्टी कितने खुश हो रहे हैं दोनों। और पीयू इस टाइम ऐसे फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, और मिष्टी भी, क्योंकि पिछली बार दोनों ही बहनें छोटी थी इसलिए तो उन्होंने खेला भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कलर वगैरह देख कर। और यहाँ पर थोड़ा सा इनका शूट कर दिया था। और देखिए दोनों बहनें मस्ती कर रही हैं बहुत, और अंशु भी लगा हुआ है अपना। और यहाँ पर मैं अभी अपने मायके में हूँ जैसे आप लोगों को पता है, और मायके में इस बार मम्मी और की होली नहीं है, तो इसलिए तो बस फिर मैंने भी थोड़ा सा ही खेला, ज़्यादा नहीं। तो देखिए आप लोग अभी क्या क्या मस्ती धमाल आने वाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो रही है बच्चों की, और अभी डांस मस्ती आप सभी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग इन्जॉय कर सके। बहुत अच्छा डांस वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी मैं, पूरा देखिएगा। और अंशु को देखिए ज़रा, अंशु ने लगाया अपना वाटर बैग और लगा हुआ है सबके ऊपर पानी डालने के लिए, तो अंशु बहुत ज़्यादा खुश है। और तो चलिए देखते रहिए मस्ती हमारी होली की। ए तो कूड़े की बाल्टी खाली जा रही। और ये देखिए इन दोनों भाई बहनों ने क्या उदंग मचा रखा है, लगे हुए अपने आप। देखिए इनको कोई डर नहीं है। क्या कर रहे हैं अंशु? अरे पानी भर लाओ। अच्छा हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली। पीले हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली। पीले ढक्कन दे, वो पड़ा तेरे सामने ही है। और ये पिद्दू सी को देखिए। और साथ साथ हमारे यहाँ और ही खाने की तैयारी। वैसे तो हमारी कुछ ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा है, पर हम थोड़ा सा दही वड़े बना रहे हैं जो कि मूंग की दाल के वड़े हैं। तो रात में हमने दाल भी काल के रख दी थी, तो उसी को पीसने के बाद इस तरह से पेस्ट बना लिया हमने। और अब इसके बना रहे हैं वड़े, तो वड़े तले जा रहे हैं। और यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, थोड़े से ये गोलगप्पे बनाए हैं। और तो ये रात में मैंने दही जमा कर रख दी थी, और जब भी कभी दही जमाना हो तो उसमें एक मिर्च डाल दो, हरी मिर्च, तो बहुत अच्छी दही जमती है उससे। तो आप लोग ट्राई करना इसको भी। और यहाँ पर साथ साथ वड़े भी बन रहे हैं, तो बहुत आसान है इनको बनाना और बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही अच्छे बने थे खाने में। और घर के बिल्कुल साफ़ सुथरे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। और मूंग की दाल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं करेगी। अगर हम उड़द की दाल के बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, बट ये ज़्यादा अच्छी रहती है अपने पेट वगैरह के लिए, हेल्थ के लिए तो काफ़ी अच्छे रहते हैं मूँग की दाल। तो वैसे तो यहाँ पर मूँग की दाल के बन रहे हैं बड़े साथ साथ, और चटनी वगैरह सब पीस के रख दी है, रेडी हो गया है सब कुछ, मसाले वगैरह सब तैयार हो गया है। और गुजिया वगैरह हमने इस बार कुछ नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर होली नहीं है इसलिए बस। और ये दही बड़े बना रहे थोड़ा सा, और चाय नाश्ता हमारा हो गया है। और ये सामने वाली आंटी है, उनके घर में उन्होंने इस तरह से टेबल पर रखा हुआ था पूरा नाश्ता वगैरह इस तरह से, गुजिया और नमकीन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। तो पीहू ने यहाँ पर कुछ देख लिया तो उसको वो चाहिए, तो वही लेने आ रही थी वो बार बार, कभी उसको चिप्स चाहिए, कभी उसको कुछ चाहिए। तो बच्चे इसी तरह से करते रहते हैं, कभी उन्हें कुछ खाने का मन है ना तो वो लेकर ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शूट कर लिया, बहुत अच्छा सा लग रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे से रखा हुआ था। और ये अंशु की हालत देखिए, अभी थोड़ा सा देर में अंशु ने अपने ऐसा कैसा हालत बना लिया। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा,
और ये देखिए बहुत सारी डांस धमाल मस्ती। तो यहाँ पर ना बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंशु के पापा और मैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस बार साथ नहीं है, अलग अलग थे। मतलब वैसे तो हम साथ साथ हैं, पर जैसे होली खेलने के लिए साथ साथ नहीं है, तो वो हरिद्वार हैं और मैं यहाँ पर हूँ, तो वो इस बार आए नहीं है और बस ऐसे ही हमारी होली रह गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, पर बहुत अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए इनकी डांस मस्ती चल रही है, साथ साथ यहाँ पर पानी वगैरह भी होने वाला है। अभी देखिए ये लोग अपने डांस मस्ती में लगे हैं, ऊपर से देखना अभी कुछ आने वाला है। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगा है देख कर, और इन्जॉय भी कर रहे थे लोग, तो मैं भी यहाँ पर देख कर इन्जॉय करी। थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया है यहाँ पर।
चलिए डांस मस्ती बहुत ज़्यादा हो गई और अब करते हैं कुछ पेट पूजा। तो यहाँ पर मैं आई हूँ दही बड़े बनाने के लिए। तो ये देखिए भिगा कर रख दिए थे इस तरह से, तो दो एक घंटे के लिए इनको भिगा कर, 2-3 घंटे के लिए। और अब इसको अच्छे से इस तरह से निचोड़ कर मैं तैयार कर लेती हूँ दही बड़े। तो किस किस के मुँह में पानी आ रहा है बताइएगा ज़रूर। और बहुत ईजी इन्हें बनाना, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैं तैयार कर लेती हूँ दही बड़े की प्लेट। तो इस तरह से ये रख दिए, और इसमें डालूंगी इमली, खट्टी मीठी चटनी और हरे धनिए की चटनी और ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ी सी दही। और हमारा चटपटा चाट बनकर तैयार है। तो ये मैं कर रही हूँ इसके थोड़ी सी गार्निशिंग बढ़िया करके, और थोड़ी सी पापड़ी वगैरह भी हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रहा है हरी चटनी डालने के बाद। और अब डालती हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी, तो वो इसके स्वाद को कर देगी दुगना। तो मुझे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, तो बहुत टेस्टी हो रहा था खाने में भी। और सब लोगों के लिए भी तैयार कर लेती हूँ बनाकर। और ये डाल दिया मैंने इसके ऊपर मिर्च वगैरह, चाट मसाला, जीरा पाउडर। तो ये हो गई हमारी चाट रेडी। तो इसमें मैं लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तब लाल मिर्च भी डाल देती हूँ उसमें। तो ये लो चाट बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आपकी होली कैसी रही, आपको एक बार फिर से हैप्पी होली। और आज के लिए इतने, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।